देखते हैं बॉलीवुड मसाला की कुछ खास खबरें। भाईजान का ऐलान, कहा भारत के लिए कैटरीना जीतेगी नेशनल अवार्ड। एक पत्रकार ने सलमान खान को फिल्म भारत में कैटरीना कैफ की परफॉर्मेंस के बारे में बात करने को कहा तो उन्होंने बताया, कैटरीना कैफ ने फिल्म भारत के लिए बहुत मेहनत की है, उन्होंने इस किरदार को जीवित कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि कैटरीना कैफ को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। अर्जुन कपूर ने मलाइका से शादी को लेकर कही ये बात सुनकर हो जाएंगे हैरान। अर्जुन कपूर ने कहा कि बचपन से ही मेरी लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि एकदम से किसी भी चीज में कूद पड़ूं। मैं चाहता हूँ कि एक समय पर ही स्टेप लूं। अर्जुन कपूर ने आगे कहा, वैसे आपकी शुभकामनाओं और चिंता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ईद 2020 पर सलमान खान को घेरने के लिए अक्की ने चली दोहरी चाल। जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार इस भीड़ को टालने की कोशिश में लग गए हैं। एंटरटेनमेंट पोर्टल पिंक विला की एक रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार के फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट में बदलाव हो सकता है। कार्तिक आर्यन के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहती है अनन्या पांडे, सारा का क्या होगा। अनन्या ने कहा कि कार्तिक आर्यन उनके अच्छे दोस्त है और उनके साथ वह अच्छे तरीके से काम कर पाती है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह कार्तिक के साथ और समय बिताना चाहती है। दिशा पटानी खुद को मानने लगी है आलू, वजह कर देगी हैरान। दिशा पटानी यूं तो बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में शुमार की जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो आलू की तरह दिखने लगी है। दरअसल दिशा ने अपने पिछले 3 मिल्स में कुछ अनहेल्दी चीजें शामिल कर ली थी, जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो आलू की तरह गोल मटोल हो गई है। इस वजह से अदिति राव हैदरी गूगल में खुद का नाम नहीं करती है सर्च। उन्होंने बताया, मैंने एक बार गूगल में खुद का नाम सर्च किया तो रिजल्ट में मेरी कई सारी बैकलेस फोटो सामने आ गई। उस दौरान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद से ही मैंने फैसला लिया कि आज के बाद मैं कभी भी खुद को गूगल में सर्च नहीं करूंगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।